गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पॉलिन ग्रेन तक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पिस्टिल। क्या होता है ये पिस्टिल? पिस्टिल को हम गाइनोशियम भी बोलते हैं। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो गाइनोशियम होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को। द गाइनोशियम मे कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टिल, जिसको कि अगर गाइनोशियम के पास अगर एक सिंगल पिस्टिल है तो उसको हम बोलते हैं मोनो कार्पेलरी, और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। अब पिस्टिल का मतलब क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर केवल एक ही मौजूद है, मतलब एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी मौजूद है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनो कार्पेलरी। लेकिन अगर मल्टीपल पिस्टिल, दैट मीन्स मल्टीपल स्टिग्मा, मल्टीपल स्टाइल, मल्टीपल ओव्यूल मल्टीपल ओवरी मौजूद है तो उसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल मे बी फ्यूज टुगेदर, उसको हम बोलेंगे सिनकार्पस। मतलब जो मल्टी का यहाँ पे जो ये मल्टी कार्पेलरी है, अगर ये एक साथ फ्यूज्ड है, फ्यूज टुगेदर है तो उसको हम बोलेंगे सिनकार्पस। और मे बी फ्री, अगर ये फ्री है तो इसको हम बोलेंगे एपोकार्पस। ईच पिस्टिल हैज़ थ्री पार्ट्स, मतलब प्रत्येक जो पिस्टिल होता है उसके पास थ्री पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से वो थ्री पार्ट्स होते हैं? द स्टिग्मा, द स्टाइल एंड ओवरी। अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले। द स्टिग्मा सर्व्स एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, मतलब जो स्टिग्मा होता है वो किस चीज़ का काम करता है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो उसके ऊपर आके लैंड कर सकें। द स्टाइल इज़ द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बेंथ द स्टिग्मा, जो स्टाइल होता है वो एक लॉन्ग सिलेंडर पार्ट होता है किसके नीचे मौजूद होता है? स्टिग्मा के नीचे। द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी, सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो ओवरी कहलाता है। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, जिसको लॉक्यूल बोलते हैं। मतलब ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है जिसको कि लॉक्यूल बोला जाता है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ठीक है, मतलब उस ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होती है? प्लेसेंटा मौजूद होती है। इस प्लेसेंटा के बारे में क्लास 11th के बुक में दिया भी हुआ है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा द मेगा स्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल, मतलब जो प्लेसेंटा से जो अराइज होता है उसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया को कॉमन लैंग्वेज में ओव्यूल्स बोला जाता है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी वन, जैसे एक ओव्यूल पाया जाता है एक ओवरी के अंदर, उसका एग्जाम्पल क्या है? वीट, पैडी, मैंगो, मतलब गेहूँ, धान और आम में, और मेनी, मतलब एक से ज़्यादा भी ओव्यूल पाए जा सकते हैं एक ओवरी के अंदर, उसका एग्जाम्पल क्या है? पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। अभी जो चीज़ों को मैंने आपको बताया उसको मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन द्वारा उसको एक्सप्लेन में करना चाहूँगी। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? पिस्टिल क्या होता है? पिस्टिल या गाइनोशियम या कार्पेल, तीनों एक ही हैं, जो आपको पसंद आए आप नाम चूज़ कर लो। एक जो पिस्टिल होता है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके लैंड होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। फिर एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। फिर एक नीचे, स्टाइल के नीचे एक बल्ज्ड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवेरियन कैविटी मौजूद होता है जिसको बोलते हैं लॉक्यूल। इस ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा मौजूद होता है, ये देखो ये प्लेसेंटा है, और इस प्लेसेंटा से क्या होता है? ओव्यूल जुड़ा होता है। ओव्यूल को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजिया। इतने पूरे भाग को हम पिस्टिल, कार्पेल या गाइनोशियम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस तरह से ये इसका ओरिएंटेशन है। दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक। ओवरी के अंदर क्या होगा? प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से क्या जुड़ा होता है? ओव्यूल जुड़ा होता है। ओव्यूल को हम मेगा स्पोरेंजिया भी बोलते हैं क्योंकि मेगा स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस इसी के अंदर होता है। अब मैंने आपको बताया गाइनोशियम को पिस्टिल भी बोलते हैं। अब ये जो पिस्टिल होता है वो सिंगल हो सकता है, दैट मीन्स केवल एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी मौजूद हो।
अगर सिंगल है तो उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, लेकिन अगर मल्टीपल है, मतलब मल्टीपल स्टिग्मा, मल्टीपल स्टाइल, मल्टीपल ओवरी मौजूद है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी। इज दैट क्लियर? अब मल्टी कार्पेलरी जो होता है वो भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो फ्यूज्ड हो सकते हैं, मतलब एक साथ क्या हो, वो जुड़े हों। अगर वो एक साथ जुड़े हों तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिनकार्पस बोलेंगे। लेकिन अगर वो फ्री हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपोकार्पस बोलेंगे। देखो ये जो है ना, अब यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम दिया, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, ए डिसेक्ट फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टल, अदर फ्लोरल पार्ट्स हैव बीन रिमूव्ड। यहाँ पे क्या है कि इसका जो हिबिस्कस जो फ्लावर है, दैट मीन्स जो गुड़हल का जो फ्लावर है, उसका क्या किया गया है, यहाँ पे पिस्टल को शो किया गया है। दिस इज़ कॉल्ड पिस्टल। एक पिस्टल में कौन कौन से भाग होते हैं? दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, और ये पूरा स्टाइल है। नीचे का जो बल्ज पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। और ओवरी किसके साथ जुड़ा रहता है? तो थैलेमस के साथ, ठीक है। दूसरा है कि अगर मल्टीपल, मतलब अगर क्या हो, इसकी संख्या अगर मल्टीपल हो जाए तो वो तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी दो तरह से अरेंज हो सकते हैं, या तो वो क्या हो सकते हैं, एक साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका मल्टी कार्पेलरी और सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पपाया, ये क्या है? पपीते का, पपीते के पुष्प को, जिसमें क्या है मल्टी कार्पेलरी, मतलब मल्टीपल स्टिग्मा, मल्टीपल स्टाइल, मल्टीपल ओव्यूल मौजूद है, और वो एक साथ फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिनकार्पस। और अगर मल्टी कार्पेलरी अगर वो फ्री हो, यहाँ पे देखो मल्टीपल स्टिग्मा, मल्टीपल स्टाइल, मल्टीपल ओवरी मौजूद है, और वो क्या है? फ्री है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। इसका एग्जांपल है माइकेलिया। इसके बारे में मैं कल आपको बताने वाली हूँ। तो आई होप आज का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।